नए लोग चैनल को इस तरह सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े जाने का फैसला भगवान श्री कृष्ण का था, लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना, आइए हम आपको बताते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। जब महाभारत युद्ध होने का निश्चय हो गया तो उसके लिए जमीन तलाश की जाने लगी। श्री कृष्ण जी बड़ी हुई असुरता से ग्रसित व्यक्तियों को उस युद्ध के द्वारा नष्ट कराना चाहते थे, पर भय था कि यह भाई भाइयों का, गुरु शिष्य का, संबंधी कुटुंबियों का युद्ध है, एक दूसरे को मरते देखकर कहीं संधि ना कर बैठे। इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुननी चाहिए जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हों। उन्होंने अनेकों दूतों अनेकों दिशाओं में भेजे कि वहां की घटनाओं का वर्णन आकर उन्हें सुनाए। तब एक दूत ने श्री कृष्ण को सुनाया कि अमुक जगह बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ से बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, पर उसने स्पष्ट इनकार कर दिया और उलाहना देते हुए कहा, तू ही क्यों ना बनकर आवे, मैं कोई तेरा गुलाम हूँ। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया और जहां से पानी निकल रहा था वहां उस लाश को पैर से कुचलकर लगा दिया। इस नृशंसता को सुनकर श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि यह भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। यहाँ पहुँचने पर उनके मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे परस्पर प्रेम उत्पन्न होने या संधि चर्चा चलने की संभावना न रहेगी। वह स्थान कुरुक्षेत्र था, वहीं युद्ध रचा गया। महाभारत की यह कथा इंगित करती है कि शुभ और अशुभ विचारों और कर्मों के संस्कार भूमि में देर तक समाये रहते हैं, इसलिए ऐसी भूमि में ही निवास करना चाहिए जहां शुभ विचारों और शुभ कार्यों का समावेश रहा हो। हम आपको ऐसी ही एक कहानी और सुनाते हैं जो कि श्रवण कुमार के जीवन से संबंधित है, जिसे सुनकर आपको ये भली भांति एहसास होगा कि भिन्न भिन्न स्थानों का अपना ही एक अलग प्रभाव होता है। जब श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवर से उतारकर पैदल चलाया, श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, वे उनकी सेवा पूरी तत्परता से करते थे, किसी प्रकार का कष्ट ना होने देते। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की, श्रवण कुमार ने कांवर बनाकर दोनों को उसमें बिठाया और उन्हें लेकर तीर्थ यात्रा को चल दिया। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उसके मन में यह भाव आया कि माता पिता को पैदल क्यों ना चलाया जाए। उसने कांवर जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। वे चलने तो लगे, पर उन्होंने साथ ही यह भी कहा, इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता की अवज्ञा करने का बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पैर पकड़कर क्षमा मांगी और फिर कांवर में बिठा लिया। उसके पिता ने कहा, पुत्र इसमें तुम्हारा दोष नहीं, उस भूमि पर किसी समय मैं नाम का एक असुर रहता था, उसने जन्मते ही अपने पिता माता को मार डाला था, उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं, इसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी। इस तरह अलग अलग भूमि पर हुए अलग अलग प्रकार के कार्य संस्कार उस भूमि के वातावरण को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र को चयन किया था। तो दोस्तों, क्या आपने कभी स्वयं इस चीज को नोटिस किया है कि स्थान का अपना ही एक प्रभाव रहता है, या फिर आपके अनुसार ये सिर्फ धारणा मात्र है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा हमारे दूसरे रोचक वीडियो देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर अभी क्लिक करें। जय श्री कृष्ण।